नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24x7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है। गढ़ सपनों का घर है बनाना तो वृंदावन मार्बल्स ही है ठिकाना। आज की टॉप हेडलाइंस, एनआरसी और सीएए के विरोध में गोजा मोमो, युवा मोर्चा का पद यात्रा कर सियांगशी शुरू। दुनिया में बड़े तीसरे विश्व युद्ध के आसार। वर्धमान रेलवे स्टेशन का एक हिस्सा गिरने से एक की मौत। भाजपा सांसद ने सीएए के समर्थन में घर घर जाकर किया प्रचार। बीजेपी ने देश भर में सीएए कानून के समर्थन में घर घर जाकर कैंपेन अभियान को किया लॉन्च। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबर पर विस्तार से। एनआरसी एवं नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देश के विभिन्न पार्टियों विरोध प्रदर्शन कर रही है। हाल ही में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी में एनआरसी एवं नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ एक विशाल रैली कर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला था। इस बीच गोजामुमो युवा मोर्चा की ओर से तथा विनय तामांग के नेतृत्व में आज करसांग से सिलीगुड़ी तक पद यात्रा कर अपना विरोध जता रहे हैं। गोजामुमो अध्यक्ष विनय तामांग के अलावा जीटीए के चेयरमैन अनित थापा सहित गोजामुमो के कई बड़े नेता इस रैली में शामिल है एवं उनके साथ समर्थकों की भारी हुजूम देखा जा रहा है। यहाँ रैली सिलीगुड़ी के दार्जिलिंग मोड़ में खत्म होगी। पहले फेज तो आपको पता हो गया कि दार्जिलिंग से हमने पश्चिम में बस स्टैंड पर था, तो आज ये सीए नासी और एन पी आर विरोध में एक जनवरी को हम लोग कालिम्पोंग में ऐसा ही रैली कर रहे हैं। उसके बाद में हम लोग का ट्रेन रैली है वो ऑन दू सीएम मंगल मैनेजर वो दार्जिलिंग आ रहे हैं। दार्जिलिंग में एक पहाड़ में एक बड़ा मोस्ट प्रॉब्ली सेकेंड ऑफ जनवरी में होगा। उस रैली में ऑल सेक्शन ऑफ पीपल मतलब देख पाते हैं। हम लोग अभी जा रहे हैं तो नीचे जा रहे हैं तो सिलीगुड़ी जा रहे हैं, लेकिन अगर समय मिले अगर शाम हो गया तो ज़्यादा शाम हो गया तो हम लोग सूचना मिल जाएगी। जैसे आप लोग ने लेटर भेजे थे सीएम और मैंने बताया कि लेटर में हम लोग सब कुछ लिखिए भेजा था कि ऑनर बीजेपी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल होम मिनिस्टर सभी ऑल चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन यू ने सभी को लिखा था। तो हमारा जो भी डिमांड है वहाँ पे लिखा है, लेकिन उसका रिस्पॉन्स अभी तक नहीं है, लेकिन उनको इंडिमेट किया गया कि हम यार अगेंस्ट ऑफ सीए वे आर अगेंस्ट ऑफ एनआरसी वे आर अगेंस्ट ऑफ इंडिया। हाल सिक्किम के भ्रमण पर रहे उत्तराखंड के पर्यटन सिंचाई एवं संस्कृति मंत्री एवं आध्यात्मिक गुरु सतपाल जी महाराज एवं सिक्किम के मुख्यमंत्री पीएस गोले के बीच भेंट वार्ता हुआ संपन्न। जोरथांग स्थित पावर गेस्ट हाउस में मुलाकात के दौरान मंत्री सतपाल जी महाराज ने सिक्किम के पर्यटक स्थलों की प्रशंसा की। इसके साथ ही उन्होंने राज्य में नए सरकार के गठित होने पर मुख्यमंत्री पीएस गोले को बधाई दी। अंतरक्रिया के क्रम में मुख्यमंत्री गोले ने सिक्किम के भ्रमण पर रहे सतपाल जी महाराज के प्रति आभार प्रकट कर उनके आगमन का महत्वपूर्ण अवसर बताया। नागरिकता कानून को लेकर देश भर में हो रहे प्रदर्शन और विपक्षी दलों के तीखे हमलों का जवाब देने के लिए बीजेपी अपनी रणनीति पर काम कर रही है। बीजेपी ने आज से देश भर में कानून के समर्थन में माहौल बनाने के लिए घर घर जाकर कैंपेन अभियान लॉन्च किया है। अगले 10 दिनों तक बीजेपी के 42 दिग्गज नेता अलग अलग शहरों में लोगों को नागरिकता कानून के बारे में समझाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह लाजपत नगर इलाके में जाकर डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत करेंगे। कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा गाजियाबाद में जाकर नागरिकता कानून के समर्थन में प्रचार करेंगे। 42 जगहों पर पार्टी के 42 बड़े नेता घर घर जाकर संपर्क अभियान के तहत लोगों तक पहुंचेंगे। अगले 10 दिनों में बीजेपी के मंत्री और नेताओं की योजना 3 करोड़ लोगों तक पहुंचने की है। दुनिया में बड़े तीसरे विश्व युद्ध के आसार। ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर रॉकेट से किया हमला। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा देंगे मुंह तोड़ जवाब। इराक की राजधानी बगदाद में बीती रात अमेरिकी ठिकानों पर रॉकेट से हमले किए गए। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा कि अमेरिका के पास ईरान के 52 ठिकानों का पता है
और यहाँ सभी उसके निशाने पर है। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान अपने सैन्य कमांडर जनरल सुलेमानी की मौत का बदला लेने के लिए अमेरिकी या अमेरिका की संपत्तियों पर कोई भी हमला करेगा तो उसे ये बात याद रखनी चाहिए कि हमारे पास उसके 52 ठिकानों का पता है। बता दे, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। शनिवार रात बगदाद के बेहद सुरक्षित इलाके ग्रीन जोन और अल बलाद एयरबेस पर रॉकेट और मोर्टार हमले हुए। यहां अभी स्पष्ट नहीं है कि हमला किसने किया है। माना जा रहा है कि अमेरिकी ठिकानों पर यह हमला ईरान के टॉप कमांडर कासिम सुलेमानी की ड्रोन हमले में मौत के बाद ईरान ने पलटवार करते हुए इन हमलों को अंजाम दिया है। वर्धमान रेलवे स्टेशन का एक हिस्सा गिरने से घटना में घायल एक व्यक्ति की अस्पताल में मौत हो गई है। वर्धमान मेडिकल कॉलेज में उसका इलाज चल रहा था। बताया गया है कि शनिवार रात स्टेशन की मूल बिल्डिंग का जो हिस्सा गिरा था उसके ठीक पास से वह व्यक्ति मौजूद था। शनिवार रात 8:15 के करीब वर्धमान रेलवे स्टेशन में प्रवेश द्वार का पूरा हिस्सा गिर गया था। उसी चपेट में 2 लोग आ गए थे जिनमें एक की मौत हो गई है। स्टेशन भूमिका अत्यंत खराब, তারা মাঝে মধ্যেই শুধু ওই জলটা চিটাচ্ছে সিমেন্টগুলো ছাড়িয়ে, আবার একটা করে স্টিকার লাগিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু এতদিনের পুরনো বিল্ডিং, তাদের তো দেখা দরকার যে এই বিল্ডিংটা আর কতদিন থাকবে। যে দুর্ঘটনার হাত থেকে আজকে বেঁচে গেল, বড় দুর্ঘটনা ঘটত সেটা হয়তো বেঁচে গেছে, কিন্তু একজনের অবস্থা খারাপ, আর একজনের পায়ে লেগেছে, সে দুজনকেই হসপিটালে পাঠানো হয়েছে, এখন দেখা যাক। ছিলাম সুন্দরবনের রেল স্টেশনে, একদম ইনকোয়ারির সামনে রেল একটি বিল্ডিংটা ছিল, হঠাৎ ভেঙে পড়ে গেছে। আমরা শুনলাম না তো, সবসময় নিত্যদিন যাতায়াত করে যাচ্ছিলাম, এখানে আমরা দেখছি দুজন এখন মধ্যে ইনজুরড হয়েছে, তো এখন পর্যন্ত কোনো হতাহতের খবর নেই। তো আমরা বলতে চাই, রেল আজকে কেন্দ্রীয় সরকার রেলের যে মেরামত, এই যে বর্তমান স্টেশনে বহুদিন ধরে যে বিল্ডিং, এইগুলো যে মেনটেন্যান্স করছে না, এগুলো অবশ্যই নজর দেওয়া উচিত। আজকে যদি সকালের দিকে হতো বা শীতকাল না হতো, তাহলে বহু লোকের প্রাণ যেত। शहीद मेजर दुर्गा मल्ला की प्रतिमा गाड़ीधुरा में स्थापित की जाएगी। गाड़ीधुरा नवदीप परिवार के पहल पर शहीद मेजर दुर्गा मल्ला प्रतिमा निर्माण कमेटी के सक्रियता में गाड़ीधुरा में शहीद मेजर दुर्गा मल्ला की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। बीजेपी सांसद दिलीप घोष के साथ मंच साझा करने पर टीएमसी नेता को मिला कारण बताओ नोटिस। तृणमूल कांग्रेस ने अपने विधायक समरेश दास को पूर्व मेदिनीपुर जिले में मेले के दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दिलीप घोष के साथ एक मंच साझा करने का कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आगरा विधानसभा क्षेत्र के टीएमसी विधायक समरेश दास आगरा विंटर फेयर के उद्घाटन पर मौजूद थे, जिसमें घोष भी अतिथि के रूप में उपस्थित रहे थे। ऐतिह्य सब रंग के सब धर्म संस्कृति के सब पार्टी के एक जगह कर আমরা তার জন্য আনন্দিত, আর এটা আমার কাছে যেমন আনন্দের, কিন্তু আমি এলাম প্রথমবার আর বৃষ্টি হলো প্রথমবার, এই জন্য মনে থাকবে সবার। এটা যেমন মিলেমিশে আসুন, মিলেমিশেই থাকুন, একসঙ্গে থাকলে সবার উন্নতি হবে। মেলায় আসার জন্য অনুরোধ জানাবো, মেলার সাফল্য কামনা করব। মেলা যে রাজনীতির জায়গা নয়, সেটা আজকে আর একবার দ্বিতীয়বার লেতে ছোড়া সা ব্রেক ফের পেলেঙ্গে ব্রেকের বাদ। Sunshine High School, an English medium co-education school, affiliated to ICSE board. Admission for session 2020 pre-nursery to class 9. Quality educational. Separate hostels for boys and girls. Confidence building. Leadership programs, games, indoor and outdoor. Co-curricular activities. Pollution free. For admission and prospectus, contact Sunshine School. 7797965318 9743155003। अगर सपनों का घर है बनाना तो वृंदावन मार्बल्स ही है ठिकाना। जी हाँ, अपने ग्राहकों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादकों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला वृंदावन मार्बल्स। घर के सजावट, सैनिटरी वेयर, बाथ फिटिंग से लेकर मार्बल्स, टाइल्स और ग्रेनाइट उत्पादकों की जरूरतों के लिए किफायती दामों में एक ही ठिकाना। मार्बल्स के मंदिर और मूर्तियों का भंडार इस क्षेत्र में और कहीं नहीं। वृंदावन मार्बल्स, ईस्टर्न बाईपास रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टेक्ट नंबर 9832832811। क्या आपके घर में शादी है, कोई फंक्शन तो होगा, तो उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी तो करवानी है।
आज तकनीक दिनों दिन बदल रही है, कहीं गलत हाथों में मत पड़ जाइए। तरीका बदल गया है, आप भी बदलिए। याद रखिए सिडवैप्स। सिडवैप्स ही आधुनिक तकनीकों के साथ अपडेट रहता है और आपके बजट के अनुसार ही वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करते हैं। आप सोच रहे होंगे ये सिडवैप्स क्या है। शादी हो या कोई फंक्शन, इन पलों को सजोने के लिए याद रखिए सोमानी इंस्टीट्यूट ऑफ डीजी विजन एंड प्रोडक्शंस। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ विस्तार से। अलीपुरद्वार में बंगाल सरकार द्वारा चलाए जा रहे जनसंपर्क अभियान, गांव वालों को दी जा रही है सरकारी योजनाओं की जानकारी। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी देने एवं उनकी समस्याओं से रूबरू होने के लिए जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इस योजना के तहत सरकारी विभाग के अधिकारी गाँव पहुँच कर वहाँ के लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनते हैं और इसके तत्काल समाधान का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में शनिवार को अलीपुरद्वार जिले के कालचीनी ब्लॉक के उत्तर लातापाड़ी, अलीपुरद्वार जिले के तापोश्रिता के अलावा कुमारग्राम के कांजौली बस्ती इलाके में जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किया गया। कालचीनी उतलाबाड़ी इलाके में जनसंपर्क अभियान के अतिरिक्त जिला शासक चिरंजीव घोष, कालचीनी के बीडीओ भूषण शेरपा समेत विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारी मौजूद थे। नव वर्ष 2020 के मद्देनजर शहर के विधायक व मेयर अशोक भट्टाचार्य ने शनिवार को सिलीगुड़ी जिला अस्पताल जाकर वहां मरीजों संग प्यार बांटा। उन्होंने विभिन्न वार्डों में जाकर मरीजों का हालचाल पूछा। अपनी ओर से उनके बीच फल व खाद्य सामग्री वितरित किया गया। इसके साथ ही उन्होंने रोगियों से जल्द स्वस्थ होने की शुभकामनाएं दी। मेयर के इस प्यार के प्रति मरीजों ने भी हार्दिक आभार व्यक्त किया। मालदा में भाजपा सांसद खगेन मुर्मू ने CAA के समर्थन में घर घर जाकर किया प्रचार। CAA के बारे में केंद्र सरकार की नीति व सोच के बारे में कराया लोगों को अवगत। CAA के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी पार्टियों की ओर से जारी विरोध प्रदर्शन के बीच भाजपा ने इसके समर्थन में घर घर जाकर लोगों को इस कानून के बारे में समझाने का अभियान शुरू किया है। इसी क्रम में रविवार को मालदा जिले में भाजपा नेताओं ने CAA को लेकर जागरूकता अभियान शुरू किया। भाजपा सांसद खगेन मुर्मू ने अपने समर्थकों के साथ इंग्लिश बाजार नगर पालिका के एक नंबर वार्ड के महेशपुर इलाके में CAA के समर्थन में लेकर जागरूकता अभियान चलाया। वे लोगों के घर घर जाकर उनसे मिले और उन्हें CAA के बारे में केंद्र सरकार की नीति व सोच के बारे में अवगत कराया। इतना ही नहीं, सांसद मुर्मू ने लोगों को CAA के समर्थन में लिखे लीफलेट व बुकलेट सौंप कर उनसे ऐसे पढ़ने का भी अनुरोध किया। के साथ भाजपा महासचिव सुब्रत चट्टोपाध्याय, जिला भाजपा अध्यक्ष गोविंद मंडल, स्थानीय पार्षद राजीव चंपट समेत अन्य भाजपा नेता व काफी संख्या में समर्थक उपस्थित थे। এরা যত হচ্ছে তাদের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে, ততই তারা হচ্ছে হিংস্র হয়ে উঠছে। মানুষকে হিংস্রতার মধ্যে মানুষকে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করছে, মানুষকে যাতে মানুষ তারা নিজেদের যে সমস্ত অধিকার সম্পর্কে মানুষ যাতে বুঝতে না পারে তার জন্য এই সমস্ত ওরা সমস্ত সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করছে, মানুষের মানুষের দাঙ্গা সৃষ্টি করছে। আমরা আজকে তাই বোঝাতে চাইছি যে 1955 সালের যে নাগরিকত্ব আইন, সেটা আজকে যে সংশোধন হয়েছে, আমাদের দেশের কেন্দ্রীয় সরকার মাননীয় আমাদের গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ নেতৃত্বে, আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী আমাদের নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে যে সরকার আজকে চলছে, এনডিএ জোটের সরকার, আমরা ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের সংসদে, লোকসভাতে এবং রাজ্যসভাতে দুটো কক্ষেই আজকে আমাদের 1955 সালের নাগরিকত্ব আইন তার সংশোধন করেছেন, সংশোধনী বিল এনেছিলেন, সেটা আজকে আইনে পরিণত হয়েছে, CAA হয়েছে, অর্থাৎ সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট। আজকে এই সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট সম্পর্কে মানুষ যাতে বুঝতে না পারে, আজকে মানুষ যে অধিকার পাচ্ছেন সেই অধিকার, আজকে মানুষ অধিকার পেয়ে আজকে সবাই নাগরিক হবেন, এটা না বুঝিয়ে আজকে মানুষকে বোঝানোর চেষ্টা হচ্ছে যে আপনাদের এখান থেকে বিতাড়িত করা হবে। যারা আফগানিস্তান থেকে, আমাদের পাকিস্তান থেকে, বাংলাদেশ থেকে ধর্মের কারণে যারা বিতাড়িত হয়ে এসেছিলেন এখানে, এতদিন ধরে তারা উদ্বাস্তু হয়ে ছিন্নমূল অবস্থায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, সেই সমস্ত মানুষকে আজকে নাগরিকতা দেওয়ার জন্য আজকে আমাদের অমিত শাহজি, মোদিজি আইন এনেছেন এবং আইনটাকে সংশোধন করেছেন। এটার ফলে সমস্ত মানুষ আজকে ভারতবর্ষে নাগরিকতা পাবেন। এই CAA কোনো মানুষকে নাগরিকত্ব থেকে দাঁড়িয়ে দেওয়া না বা সেখান থেকে বঞ্চিত করা না, CAA হচ্ছে সমস্ত মানুষকে নাগরিকতা দেওয়া, নাগরিকতা কেড়ে নেওয়া না।
আজকে তাই নাগরিকত্ব আইন এই সম্পর্কে মানুষকে জানান দেওয়ার জন্য আমাদের গোটা পশ্চিমবাংলায় এর প্রচার চলছে। इस्लामपुर ब्लॉक के पंडित पोता दो नंबर ग्राम पंचायत कार्यालय में किसानों को मक्के की बीज प्रदान किया गया। कार्यक्रम में मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि सीमावर्ती इलाके में वर्षों से गेहूं की खेती बंद कर किसान मक्के की खेती कर रहे हैं, इसीलिए मक्के की बीज प्रदान किया जाता है। कार्यक्रम में मौजूद पंचायत प्रधान राजी बेगम ने बताया कि कुल 1000 पैकेट मक्के के बीज किसानों को वितरित किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा मक्के के बीज को प्रतिशोधित करने के बाद दवाई भी किसानों को दी जाएगी। बीज पे हमारा खूब खुशी है, अंत 4-5 जन प्रधान के आज पर्यंत কোন রকমের বীজ পাওয়া যায়নি। এইবারকে প্রধান হয়েছে আমার রাজীব আগর, নানান ফেসিলিটি দিয়েছে অন্যান্য এবং বীজ দিয়েছে আরো অন্যান্য ফেসিলিটি আমরা পাচ্ছি। আমি যে ভুট্টা এখন আমি একটা ভুট্টা এডি অফিস থেকে আমি ভুট্টা নিয়ে আসি, তারপরে আমি এখানে তো অনেকদিন ধরে কোনো ভুট্টা কোনো বীজ কোনো কেউ দিতে পারেনি, কেউ দেয়নি। তারপরে এখন আমি সর্বপ্রথম যে মানুষ যে কৃষক আছে এখানে সে তো সরকার দিচ্ছে, সে এরা সঠিকভাবে সঠিক বীজটা পাচ্ছে না। তারপরে আমি উদ্যোগ নিলাম যে মানুষ কৃষক যেন তার বীজটা সঠিকভাবে আর ভালোভাবে পাক, তার জন্য আমি পঞ্চায়েত অফিসে ওই যে 1000 প্যাকেট ভুট্টা বা কৃষকদেরকে আমি। दुर्घटना में मारे गए भाजपा युवा मोर्चा के कर्मी के परिवार वालों से मिले भाजपा के सांसद जयंत कुमार रॉय गुरुवार रात को धूपगुड़ी जाकर पालिका के 14 नंबर वार्ड के नेताजी इलाके में दुर्घटना में विकी पाल नामक युवक की मौत हो गई थी। वहां भाजपा का सक्रिय कर्मी था और शनिवार को बीजेपी सांसद कुमार ने अपने पार्टी कर्मियों के साथ जाकर उसके परिवार वालों से मिले और उनका सांत्वना दिया। मालदा में इच्छा मृत्यु की गुहार लगाने वाली ममता को मिला तृणमूल का साथ, नगद राशि कम्बल व 1 महीने की खाद्य सामग्री का मिला सहायता। हरिश्चंद्रपुर की दृष्टिहीन महिला ममता दास, जिसने तृणमूल सुप्रीमो एवं राज्य के मुख्यमंत्री से इच्छा मृत्यु की अनुमति देने की गुहार लगाई थी, उसकी मदद के लिए तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व सहायता का हाथ बढ़ाया गया है। हरिश्चंद्रपुर युवा तृणमूल कांग्रेस नेता बुलबुल खान रविवार सुबह महिला के घर पहुंचकर उसके पोशाक व 1 महीने की खाद्य सामग्री तथा नगद 10,000 रुपए सौंपे। तृणमूल कांग्रेस की ओर से मदद मिलने पर ममता दास ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि यदि समाज से सहायता मिले तो कोई भला क्यों स्वेच्छा से मरने की बात सोचेगा। उन्होंने तृणमूल की ओर से मिली सहायता के प्रति आभार व्यक्त किया है और इसके साथ ही उन्होंने प्रशासन की ओर से मदद की गुहार लगाई है। बांग्ला भारत चैनल থেকে দেখে বিভিন্ন জায়গায় খবর ছড়িয়ে বুলবুল খানের লোক এসেছিলেন, আর্থিক সাহায্য তুলে দিয়ে গেছে নেতা। দুটো কম্বল, চালের বস্তা আর 10,000 টাকা যেন আমাকে ঘর দেয়, আর যেন টাকা যেন প্রতি মাসে যেন 1,000 টাকা করে আমি পাই, আর আমি যদি আমি কিছু যেন কাজ করে নিজের পেট চালাতে পারি সেই ব্যবস্থাও যেন করে দেয়। আজকে আমরা হরিশ্চন্দ্রপুর অঞ্চলের 1 নম্বরে ব্লকের অন্তর্গত হরিশ্চন্দ্রপুর অঞ্চলে একজন অন্ধ, তিনি দুই চোখে দেখতে পান না, এটা আমরা বাংলা ভারত নিউজে অন্যান্য দৈনন্দিন যেগুলো সংবাদ পেপারগুলো হয় ওগুলো দেখলাম। দেখার পরে বুলবুল খান, যার যিনি মালদা জেলার ভাইস প্রেসিডেন্ট, উনি আমাদেরকে ফোন করলেন, আমি তো বাড়িতে নেই, তোমরা যাও গিয়ে আমার দিক থেকে কিছু আর্থিক সাহায্য, কিছু কাপড় আর কিছু যা হয় তোমাদের খাবার তোমরা গিয়ে দিয়ে এসো। তো আমরা এই কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আজকেই ফোন করেছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে আমরা আসলাম ইনার কাছে এসে আমাদের যা কম্বল চালের বস্তা কিছু আর্থিক সাহায্য করলাম। আজকে লিস্ট বিতা হে, আর তমাম শেষ খবরগুলো দেখতে রইস কে লাইভ আপকা সময় আপকি খবর, ধন্যবাদ।